ये साल 1970 का सितंबर महीना है। आप नॉर्थ अमेरिका में जारी हुए पहले वीडियो गेम कंसोल का एक गेम खेल रहे हैं। आप घर से बाहर आए, आपने देखा कि आपके सभी पड़ोसी वॉयजर 1 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। आज धूप बहुत तेज है, इसलिए आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपका घर लॉन्चिंग स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। आप अपना खाना साथ लेकर वॉयजर की अंतरिक्ष उड़ान देखने बैठ गए। इसे देखकर आपने तय किया कि आप नासा में काम करेंगे। 35 साल बाद अब आप नासा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और वॉयजर 1 के विशेषज्ञ हैं। ये साल 2012 है और आप अपने साथियों के साथ कंट्रोल रूम में बैठे हैं। यहाँ सभी वॉयजर 1 पर काम करते हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं। आप सबसे ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं और पक्का कर रहे हैं कि सभी सिस्टम सही तरह से जांच लिए जाएं। ये दिन खास है क्योंकि वॉयजर 1 हीलियोस्फीयर से बाहर निकलने वाला है। हमारे सौर मंडल के बाहरी आवरण को वैज्ञानिक हीलियोस्फीयर कहते हैं। ये अंतरिक्ष का एक बुलबुला है जिसे सूर्य से आने वाली सौर हवा प्रभावित करती है। साल 2021 तक ये पृथ्वी से 14 अरब मील दूर पहुंच गया। ये दूरी सूर्य से 153 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी के बराबर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। असल में इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरह तैयार किया गया है कि ये यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के साथ साथ उड़े और इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को इस्तेमाल करके एक ग्रह से उछलकर दूसरे ग्रह पर जा पहुंचे। सभी को इसके हीलियोस्फीयर से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार है। 3, 2, 1 और इसके बाहर निकलने की आधिकारिक घोषणा हो गई। इसके सारे सिस्टम नॉर्मल हैं और सही से काम कर रहे हैं। आपने बेहतरीन काम करने के लिए अपनी टीम की तारीफ की। वॉयजर 1 के इतने दूर पहुंचने के बावजूद बाहरी अंतरिक्ष में खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कभी आप बस अपने घर के पास बैठकर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होता हुआ देखने वाले एक नौजवान थे और अब आप इस ऑपरेशन के मेन इंचार्ज हैं। 9 साल बाद चूंकि वॉयजर 1 हीलियोस्फीयर से बाहर जा चुका है, आप समय समय पर इसकी जांच करते रहते हैं ताकि इसके सभी सिस्टम्स और फंक्शंस ठीक से काम करते रहें। ये आपको इंटरस्टेलर मीडियम के मेजरमेंट्स भेजता रहता है। ये हमारी आकाशगंगा के सितारों के बीच का इलाका है जो आयनाइज्ड मटेरियल से बना हुआ है। आयनाइज्ड असल में मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का एक सरल संस्करण है। ये इंटरस्टेलर मीडियम प्लाज्मा की एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड अवस्था है या आयनाइज्ड प्लाज्मा है और ये बहुत ही अस्थिर है। ये ऐसा है जैसे आंधी में बिजली कड़के और फिर वो कुछ ही सेकेंड्स में शांत बरसात में बदल जाए। अंतरिक्ष का प्लाज्मा पृथ्वी पर मौजूद प्लाज्मा से इतना अलग है कि इसे फिल्टर करना भी मुश्किल है। इंटरस्टेलर मीडियम के हर क्यूबिक इंच में करीब 0.06 एटम्स होते हैं। पृथ्वी पर हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें अरबों एटम्स होते हैं। इंटरस्टेलर मीडियम के प्लाज्मा को मापकर हम रसायनों और गैसेस के व्यवहार और उनकी संरचना को और बेहतर तरह से समझ सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि पृथ्वी पर हम जिस ऑक्सीजन को जानते हैं वो ऑक्सीजन वहाँ की ऑक्सीजन से अलग हो। आपका एक मुख्य काम इस बारे में ज्यादा जानना भी है कि सूर्य से आने वाली सौर हवा और इंटरस्टेलर मीडियम एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियोस्फीयर कैसे बनाते हैं। तो कंट्रोल रूम से वॉयजर 1 पर कुछ रूटीन चेकअप्स और बाकी मेंटेनेंस का काम करने के बाद आपने गौर किया कि आपके स्क्रीन पर कुछ अजीब सी चीज आ रही है। आप कंप्यूटर के सामने बैठे और अपने प्लाज्मा वाइब्रेशंस के नंबर्स को करीब 3 किलोहर्ट्ज की एक ऑडियो फाइल में कन्वर्ट किया। आपने उस पर क्लिक किया और एक बेहद बारीक और डरावनी गुनगुनाहट सुनी। आप और आपकी टीम हैरान हैं कि ये वाइब्रेशंस इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर भी आ रही हैं। चूंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है तो इस तरह की आवाज आने का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है। इस स्टेशन के सभी लोग इस आवाज को सुनने के लिए दौड़कर कंट्रोल रूम में आ रहे हैं। ये आवाज मोनोटोनस और धुंधली है, पर ये बात तो तय है कि ये जरूर हीलियोस्फीयर के बाहर से आ रही है। आपने बार बार इन नंबर्स की जांच की ताकि आप ये पक्का कर सकें कि ये कोई वहम नहीं है, मगर ये आवाज वाकई में आ रही है। आपने ये पक्का किया कि जब तक सब कुछ साफ साफ पता न चल जाए तब तक आपकी टीम ये राज बाहर किसी को भी न बताए। आप काम पर लग गए
और दोबारा इस आवाज का पता लगाने में जुट गए। ये आवाज वैसे ही आती रही, आप सो नहीं पाए और सोचते रहे कि ये गुनगुनाहट की आवाज किस वजह से आ रही है। कुछ दिन बीत गए और ये आवाज अब भी आ रही है। अगर वहाँ पर कहीं कोई जीवित लोग थे जो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसे समझा जा सकता हो। आपने एक बार फिर से उन ऑडियो फाइल्स की जांच पड़ताल की और ये समझने की कोशिश की कि क्या ये कोई ऐसी फोनेटिक भाषा है जिसे आप नहीं जानते। आपने एक भाषा विशेषज्ञ को बुलाया ताकि वो इस भाषा को पहचान कर आपको कुछ बता सके। आप और आपकी टीम उसके चारों तरफ खड़े होकर बेसब्री से कुछ जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद उसने अंदाजा लगाया कि शायद वहां से कोई हमसे बात करना चाह रहा है, पर यह पक्का करने का यही एक तरीका है कि हम उन्हें उनके संदेश का कोई जवाब दें। आपने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आप उन्हें क्या संदेश भेजें। काफी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि उन्हें संदेश भेजा जाएगा कि आप कौन हैं। आपने वॉयेजर 1 के जरिए उनको ये सिग्नल भेजा और गुनगुनाहट में आने वाले बदलाव का इंतजार किया, पर आपको फौरन कोई जवाब नहीं मिला। हो सकता है कि जवाब आने में कुछ वक्त लगे। आपने रात भर इंतजार किया मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगने लगा है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। अगले कुछ दिनों तक आप उन्हें छोटे छोटे संदेश भेजते रहे ताकि वहां से कोई तो जवाब आए। अब चूंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, इसमें साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, इसलिए बड़े स्पीकर पर वॉइस मैसेज भेजने से काम नहीं बनेगा। आप ऑडियो फाइल भेजते समय उस आवाज के सोर्स को लोकेट करके उसे ठीक वहीं पर भेजते हैं। हर रोज आप कुछ अलग संदेश भेजते हैं, पर अभी भी हफ्ते भर से आपको कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि दूर किसी दुनिया में समझदार लोगों के रहने की आपकी कल्पना वास्तविक नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक गैलेक्सी के अंदर के स्टार सिस्टम्स के बीच के इलाके पूरी तरह से वैक्यूम ही हों। यहीं पर इंटरस्टेलर मीडियम है। इसमें गैसेस हैं, धूल है और कॉस्मिक रेज हैं, जो एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। कई महीनों के बाद भी ये गुनगुनाहट वैसे ही लगातार आ रही है और आप अब भी पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ये मामला क्या है। आप वहां बैठे और उस वक्त को याद करने लगे जब वॉयेजर पहली बार लॉन्च हुआ था। आपको याद है कि आप तब कुछ वीडियो गेम खेलने के बाद दौड़कर बाहर आए थे। आप सूरज की तेज धूप की वजह से ठीक से कुछ देख नहीं पाए और आप उसी जगह पर थम गए और शायद आपने जवाब ढूंढ लिया। आपने अपने कुछ पुराने नोट्स खंगाले। इस बार जवाब आपके सामने था। हर समय सूर्य ऊर्जा की एक बौछार भेजता है जो इंटरस्टेलर स्पेस के प्लाज्मा को वाइब्रेट करती है। जब प्लाज्मा वाइब्रेट करता है तो वैज्ञानिक उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को नाप सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि वे एक दूसरे के कितने करीब हैं। उस दिन जब ये गुनगुनाहट की आवाज आई थी, तब सूर्य से कुछ अनियमित फ्रीक्वेंसीज आ रही थीं। तो हो सकता है कि सूर्य के धधकने की वजह से प्लाज्मा एक अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगा हो, लेकिन ये लो लेवल वाइब्रेशंस क्विक जंप्स और स्पाइक्स के मुकाबले ज्यादा देर तक रहीं। ये उनसे धुंधली हैं। आपने दोबारा कुछ टेस्ट किए और आपको पता चला कि आपको ये आवाज कोई दूसरे ग्रह की अति विकसित सभ्यता के लोग आपसे बात करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। ये नन्ही वाइब्रेशंस तो सूर्य के धधकने की वजह से आ रही हैं। आपने अपनी टीम को अपनी इस सफलता की जानकारी दी और सभी जश्न मनाने लगे। लेकिन इन सभी टेस्ट और रिसर्च के बाद भी आपको ये नहीं पता चल सका कि इंटरस्टेलर मीडियम में प्लाज्मा इस तरह से वाइब्रेट क्यों करता है। अभी उन जवाबों का और इंतजार करना होगा। साल 2027, वॉयेजर 1 को लॉन्च हुए 50 साल बीत चुके हैं। आप बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी अभी नासा से रिटायर हुए हैं। आपके नाम पर कई स्कॉलरशिप्स हैं और उन युवाओं के लिए कई प्रोग्राम्स हैं जो अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं। आप एक बार फिर कंट्रोल रूम में वापस गए, जहां आपको लगा था कि आपने दूर ब्रह्मांड में किसी अति विकसित सभ्यता के जीवन की खोज की है। फिर आपको अपने गुजरे हुए अच्छे वक्त की याद आई। आपने ये जानते हुए कि ये वॉयेजर के आखिरी पल हैं, सबको अलविदा कहा। इसे सिर्फ 50 साल तक चलने के लिए बनाया गया था, उसके बाद ये गहन अंतरिक्ष में केवल एक तैरती हुई चीज बनकर रह जाएगा। ये पहले ही बड़ी हैरानी की बात है कि ये चीज अब हमारी पृथ्वी से सबसे दूर है। मगर अब वो समय आ गया है जब आप
दूसरों को अपनी जगह लेने दें। आपने लाइट बंद की और दरवाजा बंद कर दिया। वॉयजर ने हमेशा के लिए चुप होने से पहले एक आखिरी बीप की आवाज की।